दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, कुछ गलत करते हैं, कुछ सही करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ आती है हमारी कॉमन मिस्टेक जो कि हम गलत करते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बड़ी हानिकारक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कॉमन मिस्टेक जो कि हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। नंबर वन पे आती है स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा करना आपकी बॉडी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपका जो खाना है वो पेट में जाने की वजह फूड पाइप में अटक जाता है और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जब खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो कैलोरीज बर्न करने की जगह वो आपकी बॉडी में फैट बनने लग जाता है, तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे सीने में जलन, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है। और जब आपको सोने में परेशानी होती है तो आपका पूरा दिन कमजोरी और आलस जैसा फील करता है। ये बहुत बड़ा रीजन है जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोने जाते हैं तो आपको ये इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कोरिंग इज केयरिंग, ये कोट तो आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, और आपने नोटिस किया होगा अक्सर जब हम किसी और का प्रोडक्ट अपनी बॉडी पे यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। अक्सर जब कोई लेडी किसी और का मेकअप यूज करती है तो उनको अक्सर इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आखिर ये क्यों होता है, तो आइए जानते हैं। आपने नोटिस किया होगा फेस और आईलाइनर साइड पैरासाइट्स होते हैं, और जब कोई लेडी किसी और का प्रोडक्ट यूज करती है तो ये पैरासाइट्स इन्फेक्शन फैला देते हैं, जिससे कि फेस पर और स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज बॉयज के साथ भी होती है, आपने नोटिस किया होगा बॉयज अक्सर एक दूसरे का रेजर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनको और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वो क्यों, क्योंकि फेशियल हेयर पे और बियर्ड में डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्फेक्शन फैला सकते हैं, यानी किसी और का रेजर यूज करते हैं तो ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे केसेस भी सुनने के लिए मिले हैं कि रेजर यूज करने से सामने वाले को एड्स जैसी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, कभी भी किसी और का प्रोडक्ट यूज मत करिए, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, आप अक्सर लोग कर देते हैं शेयरिंग और केयरिंग के नाम पर, ये चीज नहीं करनी है। नंबर तीन पे आती है हमारी कॉमन मिस्टेक, ड्रिंकिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पी लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा करना आपकी बॉडी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोराइड एसिड और ऐसे और भी एसिड बनते हैं जो कि आपकी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो पानी पीने से वो पानी एसिड में मिल जाता है और एसिड की इंटेंसिटी कम हो जाती है और आपका जो खाना है सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऐसा करने से आपका जब डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है तो आपको और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक के बारे में, नेग्लेक्टिंग इंटीमेट एरियाज। जब बात करते हैं हम पर्सनल हाइजीन के बारे में तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा इंटीमेट एरिया भी बहुत जरूरी है। बॉयज हो या गर्ल्स हो, ज्यादातर लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, वो अपने इंटीमेट एरिया को इतना हाइजीनिक नहीं रखते हैं। ये चीज उनके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि जितना हाइजीनिक रखते हैं हमें उतना ही ध्यान हमें अपनी इंटीमेट एरियाज पर भी ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए कि कोई भी अलग प्रोडक्ट हम अपने इंटीमेट एरिया में यूज ना करें, केवल अच्छे प्रोडक्ट ही यूज करें। ज्यादातर जब हम नॉर्मल सोप यूज करते हैं तो नॉर्मल सोप में हार्श केमिकल होते हैं जो कि आपकी बॉडी में आपके इंटीमेट एरिया में इरेक्शन और इन्फेक्शन कर सकते हैं। इवन इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए और इधर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब लोकल प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने इंटीमेट एरियाज में तो ऐसा करने से हमारे नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकते हैं और हमें और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें हाइजीन करते समय इस चीज का बहुत ही फोकस करना चाहिए कि हमारा इंटीमेट एरिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा बाहरी एरिया। तो हमें अपने इंटीमेट एरियाज को भी बहुत ही क्लीन रखना चाहिए ताकि हम 24 घंटे अच्छा फील करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा इंटीमेट एरिया साफ नहीं होता है और हमें बीच बीच में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं पांचवी कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है यूज एक्सेस टूथपेस्ट। अक्सर हमें सभी को लगता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट यूज करेंगे तो हमारे दांत जल्दी क्लीन होंगे और अच्छे क्लीन होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादा टूथपेस्ट यूज करना आपके दांतों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल का यूज किया जाता है जो कि टूथपेस्ट में झाग बनाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बात को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि सोडियम क्लोराइड का यूज चूहे मारने की दवा में भी किया जाता है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट यूज करेंगे तो ऐसा करने से आपके दांत साफ होने की बजाय आपके दांत कमजोर हो जाएंगे और मसूड़े भी। आपको कम से कम टूथपेस्ट यूज करना है, आपको मटर के दाने जितना टूथपेस्ट यूज करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दांत क्लीन रहेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को सेव भी रख पाएंगे और आपको
पूरे दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग टाइम पे और दूसरा रात में खाना खाने के बाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में जाने 5 कॉमन मिस्टेक। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप ये मिस्टेक गलती से भी ना करें, तो अगर आप ये गलती से मिस्टेक कर रहे हैं तो आप रुक जाइए, ध्यान रखिए इन सभी चीजों का। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी से वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।